सो मेरा फाइनली पिज्जा बनके तैयार है। इस बार मैंने रेसिपी रिकॉर्ड इसलिए नहीं की क्योंकि अक्सर आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। इस बार एक्स्ट्रा में क्या है, चीज मैंने लिया है, वरना चीज की जगह मैं मेयोनीज ज्यादा यूज करती हूँ, बट इस बार मैंने चीज यूज किया है। अभी इस पे चिली फ्लेक्स जाएगा, ऑरिगेनो जाएगा, फिर जाके यम बनेगा। फील हो रहा था कि यहाँ पे मौसी लोग रहते थे, जब चाहे मतलब भले रोज नहीं आने का पर ऐसा आओ तो फिर क्या है, ग्लास में कर टिफिन खा ली की ड्रिंक का टिफिन भरे हम कहे रसगोल के देते। लो यार फटाफट खाओ तुम लोग। हाँ हाँ जा रहे, तभी तो खाली आऊँ। और हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज प्रिया की लाइफ स्टाइल। सो कैसे हैं आप सब, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे। मैं भी मस्त हूँ, फिट हूँ। और अभी मैंने दिन भर से व्लॉगिंग नहीं की क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट करना था, बहुत ज़्यादा इस भाग दौड़ में थक गई हूँ। और अभी का वीडियो बहुत हिल रहा है क्योंकि डुगू रिकॉर्ड कर रहा है, तो इसलिए उसको प्लीज़ इग्नोर करना। और बस रियाज भी सो रहा था तो मैंने सोचा चलो मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ। फिर उन्होंने सादा दाल चावल तो मन नहीं करा, कुछ और भी बना दो, सूप वगैरह, तो मैंने क्या किया दाल बना दी। हाँ बेटा बेटा बेटा, ये मेन टाइम पे उठ जाता है और अभी तक शाम हो गई और एग्जैक्ट उठ गया। एक मिनट में रुको करती हूँ। क्या हुआ, बंद बंद कर दी। हेलो ये कौन दिख रहा है, हेलो दूर से लो ना बेटा, बाबू का सिर्फ चेहरे दिख रहा है। क्या कर रहा है बेटा किचन में, क्या कर रहा है बाबू? क्यों उठ गया? बंद कर दो। ठीक है। तो रियांश उठ गया था इसीलिए रोने लगा था, तो बस मैं इन्होंने बोला कि कुछ और बना दो, थोड़ा सा ना ऐसे फीवर जैसा लग रहा है, तो सारा कुछ है ही है। और आज दूध पड़ गया तो पनीर भी बन गया है। डुगू यहाँ भी खाओ ना, तो पनीर भी बन गया है। तो मैंने सोचा चलो आज ये बना देती हूँ, पनीर चिली बना देती हूँ, और सॉसेस वगैरह घर में ही है तो फटाफट से बन जाएगा। तो चलिए फटाफट से बना लेती हूँ। सबसे पहले मेन तो यही है लहसुन, लहसुन को मैंने छील लिया, धो लूंगी, उसके बाद स्टार्ट करूंगी। वीडियो पे बने रहना। इसका वीडियो ले लो, इसका वीडियो पांच बार नहीं आया। चलो फिर मैंने अनियन कैप्सिकम कट कर लिया है और यहाँ पे ये लहसुन को ना ऐसे बारीक बारीक कट किया और यहाँ पे पनीर जमा के रखी थी, एकदम मस्त कड़क हो गया। अब इसको कट करूंगी बाद में, सबसे पहले इसको कर लेती हूँ। तो मेरा ये सूप बन के रेडी हो गया, बस इसमें अब पनीर ऐड करना है। और अब मैं चल रही हूँ बाबू को थोड़ा सा बॉटल, दूध का बॉटल दे देना ताकि वो भूख लगी होगी ना, सो के उठा है। तो फटाफट से कर दे रही हूँ, यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है बस। तो फाइनली मेरा सूप वगैरह बना के हो गया, खाना पीना भी हो गया। अब बाबू का यहाँ पे बॉटल उबाल के लेके ले रख रही हूँ क्योंकि दूध भी पीता तो एक बार दिन भर में उबालना ज़रूरी होता है, तो इसलिए उबलने के लिए रख दे रही हूँ। थोड़ा सा ऐसे रहेगा ना तो अच्छा रहेगा। और अब अंकित आया, अंकित को देती हूँ और अंकित से पहली बार ऑन कैमरा रिव्यू लेती हूँ क्योंकि अंकित मेरे हाथ का फर्स्ट टाइम पनीर चिली सूप पिएगा, तो इसीलिए देखती हूँ क्या बोलता है। कैसा है, सही बताओ, मतलब वैसी फेक नहीं, फेक रिव्यू नहीं, मेरे को मस्त आ रहा है। सही, क्या हुआ, तीखा लग रहा है, और खा लो, और खा लो, चाइनीज सूप पी रहा है पनीर चिल्ली खाता है और द्रियांश इसको डालो मुँह में, देखो खाएगा, और ले लो, जाओ द्रियांश ले लो, वाओ, वो देखो देखो भैया भैया द्रियांश देखो 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 भैया 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 भैया, हाँ तीखा लग रहा है लेकिन खाएगा पानी जल्दी पानी दो आप बताओ कैसा है बाहर, एज यूजुअल फेवरेट। यहाँ का व्यू मस्त लगता है ना, एकदम मस्त, यहाँ बैठ के अच्छे से चाय वाय पियो, मस्त लगता है। अच्छा लगा ना, मुझे भी टेस्ट करना, मैंने भी टेस्ट किया।
मोमोज बनाए। इतनी ज्यादा गर्मी है ना कि खाना वाना भी हुआ नहीं, बस सूप वगैरह पी लिए थे, ये भी आ गए थे तो इनका इतने में हो गया कि चलो थोड़ा सा नीचे घूम के आते हैं, और आज थोड़ा सा जल्दी आ गए थे तो ही आ गए हम लोग थोड़ा सा नीचे ऐसी हवा लेने, बट हवा भी बहुत ज़्यादा नहीं चल रही है, नीचे भी गर्म हो रहा है, बारिश कब होगी मालूम नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। अरे हम दोनों मैचिंग मैचिंग। सो नीचे बस चहल रहे हैं, मतलब पीछे के साइड मेन गेट पे, अंदर साइड नहीं, अंदर गार्डन है जो वो नहीं घूम रहे, क्योंकि पानी का टैंकर आया है तो मुझे वो स्मेल नहीं अच्छी लगती। और यहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड है, मतलब ये सोसाइटी का नहीं है, सोसाइटी से बाहर है, बट बहुत बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे रोज़ सुबह प्रैक्टिस होती है स्पोर्ट्स की, मतलब गर्ल्स बॉयज सब लोग करते हैं, सबकी अलग अलग प्रैक्टिस होती है तो वो लोग अपना अपना करते हैं। मेन रोड पे ये घर। अभी आप लोगों को मैं पूरा व्यू दिखाऊंगी, जो यहाँ के होंगे उनको समझ गया होगा। हाँ बेटा इधर मुझे भी जाना है। कहाँ? इधर। वहाँ कौन है? उधर कोई भी नहीं है, बस मुझे इधर सीखना था कि चलाना। नहीं नहीं उल्टे से दे, इसको आप कहीं नहीं अंदर चलाना है, अब यहाँ सीधे चलाना है जहाँ पे थोड़े थोड़े ना खुरदुरे से रोड है, वहाँ चलाना। बोलो। अगर मैं इधर गिर गया तो ग्राउंड में तो क्या हुआ? जो चलाता है वही गिरता है, इसमें गली कौन सी बड़ी बात है? तो इधर थोड़े थोड़े पत्थर है, अगर मैं किसी पत्थर में गिर गया तो फिर मत चला, जब डर लगता है तो नहीं चलाने का, जो नहीं डरता है वही चलाता है। ओके मत चलाओ। आप थोड़ी यहाँ पे ना रोड पे खड़ी हो रही तो हवा अच्छी आ रही है। इससे पता चल रहा है ना कितनी हवा अच्छी लग रही है यहाँ, यहाँ भी अच्छा लग रहा है, जो कि यहाँ कुछ बैठने के लिए है नहीं, अब ऐसे सीढ़ी पे बैठना अच्छा नहीं लगता। हाँ ये किस लिए? वो दुकान के लिए सीढ़ी है, स्टेयर है। आओ चलिए चलती, थोड़ा सा ऐसी टहलते रहो, खड़े खड़े नहीं मन अच्छा लगता, थोड़ा सा चलते रहो तो अच्छा है। अंकित कहीं किसी से फोन पे बात कर रहा है, ये देखो के साथ बिजी है मालूम है। यहाँ पे ये रियाज को कैसे लिए, कैसे लिए हो? सीट है रहा, फिर से चल रही हूँ मेन रोड पे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं ऐसे अच्छे से व्लॉग के साथ, करती हूँ टाटा, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइज, बाय।